सो गाइस हरियाणा से हमारे बहुत ही परम मित्र आए हुए हैं जिनको हम लेने आ चुके हैं बलासिया से थोड़े आगे, ठीक है गाइस। तो अभी उसको लेने जा रहे हैं हम, और बहुत दिनों बाद, मतलब पहली बार आ रहा है इंदौर, तो पहली बार ही आ रहा है वो। वो खड़ा है सिग्नल के उस पार और हम हैं इस पार, और ये गाड़ी मेरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही, नई की जैसी लग रही है एकदम ना। अंकित डेली धो लेता है गाड़ी, तो गाड़ी एकदम साफ रहती है ना अंकित। हाँ देखो कितनी खूबसूरत लग रही है गाइस। आखिरी बार 1947 में धुली थी अपनी गाड़ी, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम धो देंगे बहुत जल्द, ठीक है गाइस। आज हम जाने वाले हैं उज्जैन, उज्जैन जाने वाले। इनको नहीं ले जा रहा हूँ गाइस, इनको मैंने बताया था, इनको सरप्राइज देना मुझे। हाँ देख लो भाई से इसका खुश हो रहा है। अब बहुत देर लगा दी, इतनी देर लगती है क्या इंदौर शहर में? इतना सारा सामान ले आया भाई, भाई कैसा है भाई? तेरी छाती भूख को मैं तो एक दिन में भेज देगा वापस। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अश्विन यादव व्लॉग्स, और सन्नी जी आ चुके हैं अब इंदौर की पावन धरा पर, और इनका हमने स्वागत करा है फूलों की माला और ढोलक से, क्योंकि चालीस मिनट लेट आए हैं, क्योंकि ये मुझे लेने काफी जल्दी आ गया था, तो मैं सोचा कि मैं इसकी कॉपी नहीं करता हूँ तो मैं लेट आऊंगा, इसलिए गाइस मैं लेट आया। शाबाश, कहाँ जा रहे हैं हम? हम जा रहे हैं अपने कमरे पे। दूध का पैकेट और बिस्किट ले लिया गाइस, क्योंकि चाय बनाएंगे। तो सन्नी जी के स्वागत में हमने चाय और चाय अदरक वाली चाय, अदरक वाली चाय। सन्नी जी आपको चाय बहुत ज्यादा पसंद है, हमने सुना। क्या बोल गया? चाय बहुत ज्यादा पसंद है मेरे को। हाँ चाय थोड़ी बहुत, अब पी नहीं बंद कर दिया। अब वो जिम करने लग गया ना गाइस, तो अब उसको क्या दूध ज्यादा पसंद है ना। और गाइस देख रहे हो इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर होके और 300 रुपए की शर्ट देख रहे हैं, टी शर्ट। अब वाह नाइस, ये मैं सन्नी के लिए देख रहा हूँ, क्योंकि सन्नी 300 रुपए वाले शर्ट पहनता है, सन्नी को गिफ्ट करना पड़ेगा ना मेरे को, सन्नी इतनी दूर से आया तो। सन्नी के लिए 300 रुपए वाले शर्ट बहुत है, 200 रुपए मंगा ले ना, 200 रुपए वाली बहुत है ना, 100 रुपए बचा ले। हाँ जी गाइस, हमारे सन्नी भाई, हमने जो हरियाणा से ड्राइवर बुलाया है भाई साहब, ड्राइवर कैसा ड्राइवर, बहुत महंगा ड्राइवर है गाइस। इसके यूट्यूब पे 34 मिलियन व्यूज है गाने पे, और ये देखो मेरी गाड़ी चला रहा है। ओवरऑल 60 मिलियन व्यूज है यूट्यूब पे इसके गाने पे, यादव ब्रांड 2 पे। और भाई साहब मैंने ड्राइवर रखा, मतलब मैं कितना ज्यादा क्या हूँ, अमीर हूँ कि मैंने इतना महंगा ड्राइवर रखा। ड्राइवर नहीं गाइस, अपना भाई है, गाड़ी चला रहा है, गाड़ी टेस्ट कर रहा है इंदौर शहर में, जिसका एसी नहीं चल रहा, जिसका ब्लूटूथ नहीं चल रहा। भाई थोड़ी देर बस गाड़ी चलाई है, 2 मिनट और जमाने भर की चीजें बता दी, ये खराब है वो खराब है जमाना खराब है, अब गाड़ी नहीं दिलाएगा ये। अभी तो गाड़ी नाचेगी, गाड़ी नहीं दिलाएगा प्रीतम भाई, बिल्कुल दिलाएगा। इंदौर को अपने को नंबर 1 बनाना है ट्रैफिक में भी, ठीक है। तुमको पता है कि इंदौर पिछले 6 साल से नंबर 1 है पूरे इंडिया में, क्लीनर सिटी है प्रीतम भाई, पिछले 6 साल से बिल्कुल दिख रहे हैं, दिख रहा है भाई बिल्कुल। ये देखो हमारा हरियाणा में चले जाओ, जो ये फुटपाथ के ऊपर पेड़ है ना, इनमें पन्नी लटकी मिलेगी। नहीं भाई यहाँ तो बिल्कुल पॉलिथीन नहीं मिलेगी, पॉलिथीन पानीपत साइड बहुत क्लियर है, रोहतक साइड क्लियर है। अबे यहाँ पे तेरा गाना रिकॉर्ड हो जाएगा, अच्छी आवाज आएगी तेरी, गाना रिकॉर्ड हो जाएगा गाइस इसका, लगा दो एक बार, एक लाइन जाता जिंदगी है तेरे ना मेरा ये जावे माही वे मैनू तेरा इंतजार। तो भाई फाइनली आ गई अपनी लस्सी, गमंडी लस्सी, नाम है गमंडी लस्सी, किस तरह बताइए इंदौर का फेमस गमंडी, गमंडी लस्सी पी के बताता हूँ पहले कैसी फेमस है भाई। खानों के लिए गाइस मेरे को दे दियो पी के बता गाइस, एक दिन इसकी भी ऐसी फोटो लगेगी, इसकी ऐसी फोटो लगेगी, इसकी ऐसी फोटो लगेगी क्या, बहुत बहुत देख सकल दिया। ब्लॉगिंग चल रही दिन भर, ब्लॉगिंग पैसा कमाना है इनको, ऑलरेडी 60 मिलियन हो गए गाने पे व्यूज, तो भैया क्यों पैसा कमाने अब, 70 कुछ हमारे लिए छोड़ दो भाई, 70 हाँ भाई देख लो, 70 मिलियन होगा भाई के। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उज्जैन और वहाँ पे दर्शन करेंगे, और फिर दिखाते हैं आपको भाई को, पहली बार उज्जैन जा रहा हूँ, पहली बार जा रहे हैं भाई उज्जैन, तो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, चलो साथ में आप भी भाई बहुत पक्का है,
पेट्रोल डीजल डलवाने के बाद फिर शीशा ऊपर करके घर चलो फिर भाई कह रहा ऑनलाइन है भाई भाई भगने की तैयारी थी क्या ना भाई पकड़ लिया आपने सही है भाई सही है चोर आदमी इन्फ्लुएंसर अश्विन यादव हुआ चोर तेल डलवा के हुआ फरार जेल से बाहर चलो भाई तो भाई भाई साहब ने करवा दी फुल टंकी यहाँ पे फुल टंकी करा दी 3000 में 3000 में हाँ हाँ भाई ऐसा ही है 1 रुपया बचा अच्छा पहले क्या कह रहे 299 अच्छा पहले कह रहे 299 फिर उसके बाद कहीं नहीं इसने नहीं भाई 2999 जब कह रहा अच्छा 3000 चलो भाई तो मंदिर तो पहुंच चुके गाइस लेकिन बहुत ज्यादा पैर जल रहे हैं बहुत ज्यादा पैर जल रहे हैं भागो 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 भगवान के पास किसी की पहुंच ना रहे भाई क्यों बेस्टा देखा पहुंच तुम्हारी पहुंचती वहां तक पहुंचे तो फिर भगवान ने बोला बेटा चलो पीछे जाओ तुम्हारी वजह से सुन भाई ने बुला लिया पंडित जी ये पंडित जी इनके बहुत ज्यादा मतलब क्लोज दोस्त है तो अभी ये मतलब कि वो करवा देंगे क्या बोलते हैं दर्शन अंदर से दर्शन करवा देंगे अभी अभी बुलाया है इसने फोन करके गया तो पंडित जी सिस्टम यहाँ पे भी नहीं छोड़ा आपने तो किसी को भगवान के घर पे भी नहीं छोड़ा और भीड़ देख लो गाइस कितनी भीड़ है भाई इस हमारे दर्शन हो चुके हैं बहुत ही ज्यादा बढ़िया और आपको मैं एक अच्छी बात बताता हूँ कि मैंने पहली बार गर्भगृह के दर्शन किए मतलब मैं कितने सालों से ले रहा हूँ कितनी बार मैं दर्शन ऑलरेडी कर चुका हूँ लेकिन गर्भगृह तक मतलब मैंने शिवलिंग को आज तक नहीं छुआ था और आज छू लिया और मतलब काफी ज्यादा अच्छा है भाई कैसा हुआ दर्शन आपके बताओ जरा बढ़िया हुए भाई मेरे तो एक नंबर पहली बार आया था पहली बार में इतना अच्छा दर्शन होगा हाथ लगा के बाबा का बहुत हम जा रहे हैं अब काल भैरव वो तो अभी नहीं पिला रहे देखो अभी तो फिलहाल में जो अभी के काल भैरव में दारू बंद हो चुका है भाई पात्र रखा रहता है घड़ा उसमें डाल लेते और आपको रिटर्न कर देंगे अभी सुबह शाम पिलाते हैं आरती के समय आरती होती है ना भगवान की जब पिलाते हैं जो घड़े में डालते हैं उसको पिलाते कि नहीं वो सुबह शाम पिलाते हैं आरती के समय पिलाते उसको सुबह शाम पिलाते हैं आरती डालेंगे तो सही ना उसमें हाँ अरे पात्र में डालेंगे घड़ा रखा है ना उसमें डालेंगे तो वो चढ़ता ही है फिर हाँ जिससे आपकी इच्छा हो तो फूल माला लेना फूल माला ले ले लो ले लो बाबा तो इससे तो खुश होते हैं और यहाँ सन्नी ने ले ली है दारू बाबा जी पे चढ़ाने के लिए आप में से कई सारे लोगों को ये पता नहीं है कि काल भैरव पे दारू चढ़ती है जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ वैसे तो सबको पता ही होगा तो हम लोग यहाँ पे शराब जो है चढ़ा रहे हैं ठीक है गाइस ये देखिए ये मैंने यहाँ पे दारू चढ़ा के जो है दर्शन कर लिए हैं और अभी ये मुझे मिल चुकी है प्रसाद के रूप में वैसे मैं तो पीता नहीं हूँ तो मैं अपने किसी दोस्त को इसे दे दूंगा दोस्त छोड़ो भाई साहब यहाँ तो मैंने यहीं पे दे दी है भाई साहब मांग रहे थे प्रसाद के रूप में तो भाई अब घर ले जाके क्या करेंगे इसको तो यहीं दे दिए ठीक है गाइस ये क्या चीज है ग्रीन ग्रीन फाइनल गाइस हमारे दर्शन हो चुके हैं बढ़िया और हमने खाना वाना भी खा लिया है काल भैरव जी के भी दर्शन कर लिए हैं काफी ज्यादा अच्छा और हम गए थे होटल में कुछ खाने और हम वहां से चुरा के लिया मतलब मैंने चुरा के लाया सन्नी चुरा के लाया देखो भाई देखो भाई सन्नी ने क्या चुराया देखो ये कर दी ना टुच्ची हरकत ये तुम ही कर दी ना भाई ऐसे आएंगे तुम्हारे 70 मिलियन व्यूज फिर ऐसे तुम होटलों से चुराते हो सोफ और 70 मिलियन व्यूज कर लेते हो मतलब कि कुछ चुरा भाई मौसम देख भाई मौसम देख उधर उधर देखो गाइस पूरी तरह अंधेरा है और उस सामने देखो उजाला और उड़बी जली भी पड़ी थी अभी भी हां यार मतलब लेकिन भाई लेकिन ऐसे ही ना चोरी मत करा कर सुनाने वाली अरे चुरा के मेरे को पताव लगाना और यहां पे बारिश शुरू हो गई गाइस बाय भाई बाय हैप्पी जर्नी बढ़िया बढ़िया पानी आ रहा बाहर तो गाइस अभी हम लोग जा रहे मेरे घर पे इनको लेके जा रहा हूँ क्योंकि कल हम जाएंगे ओमकारेश्वर क्योंकि ओमकारेश्वर मेरे घर से बहुत ज्यादा पास है तो वहीं के वहीं जाएंगे ठीक है गाइस चले चल चले चल ना
चलो भाई चलो। जय श्री महाकाल। जय जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।